आप कैसे इस जॉब में आए और आज जो सर, आप इस मैं जब 10वीं क्लास में पढ़ता था तो मेरे से बड़े भाई थे। जैसे उस एज में होता है, बच्चे उद्दंडता करते हैं, मैं भी करता था। मुझे डांटते थे और मैं उसी डांट फटकार से तंग आ करके, या ये कह लो कि उस नासमझी में जो भाई मेरे समझाते थे, पिताजी समझाते थे, मैंने उसको उस वे में लिया ही नहीं और अपनी मूठ मर्दी में मैंने घर छोड़ दिया। और भाई ने उस टाइम मुझे ये कहा कि अब घर तो छोड़ रहे हो लेकिन यहाँ से वास्ता मतलब मत रखना, कोई कपड़ा कोई खर्चा तुम्हें यहाँ से नहीं मिलेगा। और सर, आप उस टाइम के गवाह नहीं हैं, यकीन करो। उस दिन के बाद ये सूरज छिपने वाला था और मैंने अपना पल्लू ऐसे सूरज के सामने किया और ये बोला कि आप साक्षात देवता हो। बाकी देवताओं को मैंने नहीं देखा है लेकिन आप दिखाई दे रहे हो और मैं आपको साक्षी मान के कहता हूँ कि मैं मेहनत करूँगा। और अब ये दामन मैंने जो आपके सामने फैलाया है, किसी भाई के या किसी रिश्तेदार के सामने मत फैलने देना। मैं मेहनत करूँगा, मेरी इस झोली को आप हमेशा भरी रखना। और उस दिन से आज तक मैंने शुरू के अपने 15 साल घर से दूर रह के गुजारे। मैंने रात में मजदूरी की, रक्षा चलाई, दिन में तसले ढोए, लेकिन मैं वापस लौट के जब ही गया घर, जब मैं कुछ बन गया। तो किस तरह से क्या करते थे आप? रात में काम करते थे, दिन में पढ़ते थे, क्या करते थे? हाँ, दिन में पढ़ते थे, SD कॉलेज मुजफ्फरनगर में मैं पढ़ा हूँ, और रात में मैं खादरवाला में मैं रहता था बहन के पास में। मैं मेरी बहन का भी आभारी हूँ जिसने वो जिसको उन्होंने मतलब ये बेइज्जती नहीं समझी अपनी मेरे रक्षा चलाने में या मजदूरी करने में। उन्होंने कहा कि ठीक है, आप मजदूरी कर रहे हो, चोरी नहीं कर रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं, अपना खर्चा तो उठाओ। ये मजदूरी किस लिए कर रहे थे आप? इसलिए कि घर से वास्ता मतलब बंद हो गया था ना, पढ़ना चाहते थे और पढ़ना चाहते थे, कुछ करना चाहते थे लाइफ में। तो कितने दिन तक आप पढ़ते रहे और मजदूरी करते रहे? मैं 88 तक पढ़ता रहा और मजदूरी का मेरा 2 साल काम चला। उसके बाद में मैंने बिजली के ठेके लेने शुरू कर दिए थे। मैं बिजली का काम कुछ जानता था, कुछ सीख गया वहाँ पर रहते हुए। फिर वहीं से मैं पुलिस की भर्ती खुली मुजफ्फरनगर में, भर्ती हो गया। कब, कौन से सन में? 88 में वो भर्ती हुई थी, अक्टूबर में। जी जी, तो 86-87 में आपके पास मतलब बहुत कम पैसे हुआ करते थे? बहुत कम। आप रिक्शा चलाते थे? हाँ बिल्कुल। आपने मकान भी बनाए हैं? मकान चीने हैं मुजफ्फरनगर में। मजदूरी मतलब मजदूरी करनी थी, वो चाहे वो मकान बनाने की रही हो, जब जिस टाइम तक तो कुछ भी नहीं था, कोई पहचान नहीं थी वहाँ पर, तो अलावा रिक्शा चलाने के या तसला ढोने के कोई दूसरा काम नहीं था ना। आप पुलिस डिपार्टमेंट में आए, आज आपका 70 करोड़ का आपके पास कारोबार है। बेशक। सफर को कैसे आप डिफाइन करेंगे? मैं इस सफ़र को मैंने लगातार अपना ईमानदारी से काम करता चला गया। फिर जैसे मैं मुरादाबाद, मेरी पोस्टिंग थी, मेरा रिश्ता तय हुआ, वो पार्टी ठीक ठाक थी, भगवानपुर में उनकी ज़मीन जायदाद है, 800 बीघे के जदादी हैं वो, 800 कुछ है, 800 प्लस है, तमाम बाग वगैरह हैं। उन्होंने अपनी बेटी के लिए जैसा देखा कि यार चलो, कुछ बीच में हेल्प की, कुछ मुझे मोटिवेट किया, कहीं पार्टनरशिप में उन्होंने मेरा एक कंपनी बनाई, उसमें नाम डाल दिया वाइफ का, तो वहीं से उसको भी मैंने तवज्जो दी बीच में टाइम टाइम पे, जो आज वो इतनी बड़ी हो गई कि उसमें 300 आदमी काम कर रहे हैं और वो भी पूरी ईमानदारी और शिद्दत के साथ में काम चल रहा है वहाँ पर। तो मैं अपने आने वाले साथियों को यही संदेश देना चाहूँगा कि नहीं, हम जो लोग समझते हैं कि यार लूटपाट में या रिश्वतखोरी में या बेईमानी में ही सब कुछ है, मैं नहीं मानता। मैं ये मानता हूँ कि सच्चाई की जीत होती है और मेहनत ही फलती फूलती है। अगर आदमी मेहनत करता है तो भगवान उसे कभी निराश नहीं करता। आपके अभी 13 साल बाकी हैं, आपने 13 साल पहले जॉब नौकरी से अलविदा हाँ। इसका सर इसलिए क्योंकि वर्कलोड बहुत रहा है, पहले मैंने रात दिन काम किया है, मेरी सेहत ख़राब हो गई और मैं बीमार रहता हूँ अक्सर, इसलिए मैंने 13 साल पहले जॉब छोड़ दी। और ये भी सोचा क्योंकि मैं अब अपना 100% विभाग को नहीं दे पा रहा हूँ, इसलिए कोई नया युवा आएगा, नए युवा के अंदर नया जोश होता है, विभाग को नई जोश की ही ज़रूरत होती है, पुलिस विभाग को। तो मेरे बदले में जितना गवर्नमेंट का मेरे ऊपर खर्चा हो रहा था, इतने में 2 मिल जाएंगे गवर्नमेंट को, 2 काम करेंगे इतने में मेरी जगह, इसे ले लिया कि अब मैं इस
लायक नहीं हूँ कि ये भार उठा सकूँ, मैं अपना आज नमस्कार करके इस वर्दी से विदा हो गया और नए लोगों को मौका मिलेगा यहाँ पर। नमस्कार, हम उत्तर प्रदेश के सहारनपुर ज़िले में हैं और आज हमने कंवरपाल सैनी जी से बात की। वो अपनी रिटायरमेंट से 13 साल पहले उन्होंने बीआरएस ले लिया है और जाते वक्त उन्होंने ये कहा कि आज उनके ऊपर जो सरकार का खर्च आ रहा था उसमें 2 नए पुलिसकर्मी, युवा पुलिसकर्मी भर्ती हो सकते हैं। उन्होंने बताया कि आज वह 70 करोड़ के मालिक हैं, उनकी 2-2 यूनिट हैं और ये सब उन्होंने ईमानदारी के बल पर अर्जित किया है। उन्होंने यह भी बताया कि जब वह 10वीं क्लास में थे तो उन्होंने घर छोड़ दिया था और इस दौरान उन्होंने मेहनत की, मजदूरी की और 24 घंटे काम करके अपनी पढ़ाई को पूरा किया और फिर इस जॉब में आए और उसके बाद अपने ससुराल पक्ष की ओर से उनको जो अवसर मिले उस उन्हीं अवसरों से वह उन्होंने 2 यूनिटें अपनी भगवानपुर में इंडस्ट्रियल एरिया में उनकी यूनिट हैं और आज उन्होंने जब यहाँ से वीआरएस लिया तो उनकी बातें सुनकर सभी की आंखें भर आई और सभी पूरा सभागार तालियों से गूंज उठा। खुद SSP सहारनपुर बबलू कुमार ने उनको बधाई दी। सहारनपुर से पत्रिका उत्तर प्रदेश के लिए शिवमणि त्यागी।